सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवी और आप लोग देख रहे हैं डेपटेक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से मिलाने वाला हूँ मनोज देखो, जिसको आप लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते हैं। अगर आप लोग नहीं पहचानते हैं तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, उसका यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है मनोज दे। और दोस्तों उसके चैनल पर अभी लगभग 3.5 लाख सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उससे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछे हैं और ये सब छोड़ के कुछ टिप्स भी लिया है जो एक नया यूट्यूबर, मतलब जो एक नया यूट्यूबर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मनोज भाई को बहुत बहुत दिल से थैंक्स कि वो हमारे इस चैनल पर आए हैं। मतलब इतना बड़े यूट्यूबर होकर भी हमारे चैनल पर, हमारे इस छोटे चैनल पर आए हैं, तो मनोज भाई आपको बहुत बहुत दिल से थैंक्स। दोस्तों आज के ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन है उसको आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं देव भाई को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने चैनल पर मुझे आने का मौका दिया। तो दोस्तों मेरा नाम है मनोज, आप लोगों को अगर नहीं पता तो है, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मनोज दे। तो आज जो है देव भाई मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैं उनका आंसर करूंगा, तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मनोज भाई मेरा अभी फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आप इतना बड़े यूट्यूबर हो गए हैं, अभी आपका 3.5 लाख सब्सक्राइबर हो गया है, तो आपके ऊपर आपका फैमिली का रिएक्शन क्या है? और ये सब छोड़ के अभी आपने एक नया सेटअप भी तैयार किया है जो मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये करने में कितना खर्चा हुआ एक सेटअप बनाने में? तो देव भाई का पहला क्वेश्चन है कि मेरे फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन है अभी, एंड मेरा जो है यूट्यूब सेटअप जो अभी आप देख रहे हो बैकग्राउंड, ये बनाने में मेरी कितनी खर्च हुई है। तो देव भाई मैं बता दूं, अभी मेरा यूट्यूबर बनने के बाद जो है मेरे फैमिली मेंबर्स का जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो लोग भी मतलब आप जो है थोड़ा सा प्राउड फील करते हैं कि उनका लड़का कुछ अलग करके दिखाया है उन लोगों के लिए। तो अभी फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। एंड बात रही अभी ये यूट्यूब सेटअप बनाने में, तो भाई सेटअप बनाने में तो कुछ भी खर्च नहीं है। ये जो काउंटर है ये आपका 5 से 6 थाउजेंड में आ जाता है, बाकी कुछ जो है सामान आपको यहाँ पर लगाने होते हैं। बट जो है मैंने, मेरा तो खुद का रूम भी नहीं था, तो ये रूम बनाने में शायद से मेरी जो है यहाँ पे 2 लाख का खर्चा हो चुका है पूरा टोटल। तो मनोज भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आपका यूट्यूब से कितना अर्निंग होता है? तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि मुझे ये नहीं सुनना है कि ये खरीद सकता हूँ वो खरीद सकता हूँ, मुझे आप एकदम एग्जैक्टली बोल दीजिए कि कितना कमाते हो। तो देव भाई जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसा कि पूछे कि मेरा मंथली अर्निंग अभी क्या हो जाता है यूट्यूब से, तो भाई देखो मेरा तो अभी जो है अर्निंग जो है जनवरी का बहुत ही ज़्यादा लो है, पता नहीं क्या, पेज आरपीएम बहुत ही ज़्यादा कम रहता है और एड्स भी बहुत ही कम आते हैं। तो इस मुताबिक जो है मेरा अभी मंथली इनकम इतना है कि मतलब मैं क्लियर ही बोल देता हूँ 20K के आसपास अप्रॉक्स उतना का अर्निंग हो जा रही है अभी यूट्यूब से, मतलब कम हो चुका है पहले के मुताबिक। तो मनोज भाई मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है, मतलब पहले ही मैं आपको बोल देता हूँ, मतलब झूठ मत बोलना, ठीक है ना, आपका जीएफ का नाम क्या है? बहुत लोग भी पूछे हैं पर मैं आपसे एकदम पर्सनली पूछ रहा हूँ कि जीएफ का नाम क्या है, बोल दीजिए। तो देव भाई बोल रहे हैं कि झूठ मत बोलना, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? तो भाई सबसे पहले तो मैं झूठ कभी बोलता नहीं हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैं सिंपल सा एक बंदा हूँ और झूठ मुझे बोलना ही नहीं आता शायद से। और बात रही मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, तो भाई मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी तो मैं नाम सबको बता दूंगा जरूर से, एंड सबके सामने शो ऑफ भी कर दूंगा कि ये है मेरी गर्लफ्रेंड, बट अभी मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, यही बात रियल है, झूठ कुछ भी नहीं है इस पर। तो मनोज भाई मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपने शायद देखा होगा कि बहुत लोग अभी कमेंट पे ये बोलते हैं कि भाई मेरा चैनल को प्रमोट कर दे, मेरा वीडियो को कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दे, या फिर बहुत लोग ईमेल पे भी बोलते हैं कि भाई मेरा प्रमोशन कर दे, कितना लेगा बोल। तो उन सारे लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? तो जैसा कि आपने पूछा देव भाई कि जो व्यूअर्स जो है ऑल टाइम करते हैं कि कमेंट्स पे भाई प्रमोट कर दो, सपोर्ट कर दो, तो उन लोगों के लिए मैं क्या कहना चाहूँगा? तो भाई सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो यार मेरा अभी जो है फैमिली मेम्बर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता है 3.5 लाख के करीब अप्रॉक्स मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो सबको तो मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से जो है मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा कि यार कोई सपोर्ट ना करे, कोई प्रमोट ना करे, तो ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। मुझे भी देखिए, मुझे भी किसी ने प्रमोट नहीं किया था, और आप जो देवटेक का चैनल देख रहे हैं देव भाई को भी किसी ने प्रमोट नहीं किया है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि प्रमोट करने से ही आप यूट्यूबर बन पाओगे, प्रमोट से कोई यूट्यूबर बन ही नहीं सकता। मेरा सजेशन तो ये है कि प्रमोट का तो चक्कर में रहना ही नहीं चाहिए, जो प्रमोट के चक्कर में आप लोग टाइम वेस्ट करते हो उतने में अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, अच्छा टॉपिक फाइंड कर लोगे, तो आप तो ऐसे ही यूट्यूबर बन जाओगे। तो इसलिए प्रमोट के चक्कर में ना रहें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने कंटेंट पे करें, तो आपका जो है ऐसे ही आप यूट्यूबर बन जाओगे, और फिर आपको किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा कि मेरा प्रमोट कर दो, मेरा प्रमोट कर दो।
तो मनोज भाई मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि अभी जो है यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है, मतलब पहले जो है यूट्यूब मतलब पहले भी हार्ड था पर कंपटीशन जो है पहले काफ़ी कम था, अभी तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है यूट्यूब पे। तो अभी जो नया यूट्यूबर है उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे, मतलब क्या टिप्स देना चाहोगे? तो देव भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा कि यूट्यूब अभी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो यूट्यूबर्स के लिए मैं कुछ टिप्स दे दूँ। तो भाई देखिए, यूट्यूब पहले से ही हार्ड था, अभी भी हार्ड है, बट ये है कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन हाई हो चुका है। बहुत सारे जो हैं यहाँ पे क्रिएटर आ गए हैं, नए नए चैनल ओपन कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भाई देखिए यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही हार्ड है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्मार्ट वर्क करना होगा, सिर्फ हार्ड वर्क मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियोज़ अपलोड करते जा रहे हो ऐसा नहीं करना है आपको। वीडियोज़ बनाते बनाते आपको खुद से भी देखना है कि आपका क्या कमी है, आपके वीडियोज़ में आपका थंबनेल कैसा बन रहा है, आपके वीडियोज़ में क्या कमी आ रही है, आपका ऑडियंस रिटेंशन कैसा है, क्या है, सारा आपका YouTube चैनल का एनालिटिक्स भी देखना है, साथ साथ में चेक करते रहना है। देन आपको YouTube चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और कुछ सबसे कुछ अलग करना है, ठीक है? आप अलग करोगे तो ही यहाँ पे जो है, आप सबसे अलग करोगे तो ही ना सबसे अलग निकलोगे। यहाँ तो लाखों का लाइन है ना, लाखों क्रिएटर्स आ गए हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी यूट्यूबर बन जाते हैं, बट वहीं बनते हैं जो स्मार्ट वर्क करने हैं, जिसको आता है। तो मैं वहीं कहना चाहूँगा नए यूट्यूबर्स के साथ कि अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट लाइए, कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए एंड हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो देव भाई बहुत ही धन्यवाद आपके चैनल पे मुझे लाने के लिए, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके ऑडियंस के साथ मेरा कुछ नॉलेज शेयर करवाने के लिए। तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद, एंड आपके व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई वीडियो अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन है उसको आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।